नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। झांसी रक्सा ललितपुर दुर्गापुर हाईवे पर ट्रैक्टर व बालू से भरे डंपर में भीषण हादसा हो गया है, जिसमें मौके पर एक बुजुर्ग व एक महिला की मौत हो गई है और 20 से 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें बिजौली पुलिस ने मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। आपको ये बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली सवार अगली दिगारा मध्य प्रदेश का है और बबीना से शादी से लौट रहा था, तभी बिजौली चौकी क्षेत्र दुर्गापुर हाईवे पर पीछे से आ रहे बालू से भरे डंपर ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए, जिस पर सवार अगली दिगारा मध्य प्रदेश निवासी राम सेवक पुत्र गणपति क्रांति पत्नी आशा राम की मौके पर मौत हो गई और करीब 25 लोग घायल बताए गए हैं। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर राम प्रकाश थाना प्रभारी, रक्सा व बिजौली पुलिस मौके पर पहुंच गई और आनंद फानंद में घायलों को एम्बुलेंस की मदद से मेडिकल भेजा गया, जिसमें चौकी प्रभारी आर के रावत स्वयं घायलों को निकालने में मदद करते रहे। आसपास के लोगों ने चौकी प्रभारी की सराहना भी की है। सर, क्या मामला हो गया? एक ट्रैक्टर ट्रॉली बबीना से मैं शादी करके आ रही थी, शादी का आयोजन करके, उस पर एक डंपर ने, जो बालू लदा डंपर था, पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में जो ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 28 लोग थे लगभग, उसमें से ज्ञात हुआ है कि 2 से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। 3 लोगों की मृत्यु की सूचना अभी अपुष्ट है, लेकिन आ रही है। बाकी घायलों का इलाज करने के लिए उनको चिकित्सालय भेज दिया गया है। अभियोग पंजीकृत करके उसमें कार्रवाई की जा रही, और जो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उसकी रिपोर्ट मोटर व्हीकल ट्राइब्यूनल को भेजी जा रही है, जिससे जो मृत व्यक्ति हैं उनको मुआवजा मिल सके। मुआवजे की रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भी भेजी जा रही है, और मृतक के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए उनको यथोचित मुआवजा देने का कार्रवाई की जा रही है। तो ये थे फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए चैलेंज न्यूज 24। नमस्कार।